हेलो व्यूअर्स, आज हम करते हैं फ्यूचर टेंस। इसके फोर टाइप्स हैं, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर। इसके दो नाम हैं, इनडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। देन वी हैव फ्यूचर इम्परफेक्ट, कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, इसके तीन नाम होते हैं। इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स फोकस ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ होता है, वी वन प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, ही विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगा। अफर्मेटिव, यानी कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया। विल ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखेगा, इंटरोगेटिव हो गया। अब इसकी यूजेस, इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है, जो एक्शन फ्यूचर में होंगे उसको बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, कल वो कॉलेज जाएगा। विद कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हमेशा याद रखना, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सिंपल फ्यूचर का, ठीक है, और एक सिंपल फ्यूचर विल, और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इफ़ यू वर्क हार्ड। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया और ये सिंपल फ्यूचर हो गया, ठीक है। द प्लांट्स विल ग्रो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू डिनोट फ्यूचर एक्शंस। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो खास तौर से फ्यूचर को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। यू हैव टू कम इन टाइम, आपको समय से आना पड़ेगा। यू हैव टू पे द फीस, फीस देनी पड़ेगी। ही हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसको ये काम किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। एक तो ये स्ट्रक्चर है। ही इज़ टू अपीयर, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ही इज़ टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, ही इज़ टू, ठीक है। He is to come to Delhi, उसको दिल्ली आना है, He is to, okay, फ्यूचर को बता रहा है। He is about to dance, देखो about to, यानी कि वो डांस करने वाला है। He is about to come, वो आने वाला है। ये वाले स्ट्रक्चर, इसको बहुत ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस भी करनी है आपने, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान में रहें स्ट्रक्चर्स। He is going to write several poems, वो कुछ poems लिखने वाला है, is going to form, ठीक है। He is going to buy a car tomorrow, वो कल कार खरीदने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ होगा, बी का यूज़ होगा, ये ध्यान रखना, बी, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म और अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, विल हमने लगाया, उसके साथ हमने बी का यूज़ करेंगे, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग बन गया, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा होगा। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा होगा, इंटरोगेटिव। एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कौन से एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्शंस फ्यूचर में कुछ समय के लिए चलेंगे या फिर कंटिन्यू फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग, कल वो फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी स्टेइंग देयर, कल वो वहाँ ठहरा होगा। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी टाइपिंग, कल इस समय में टाइपिंग कर रहा होगा। इट इज़ यूज टू डिनोट सर्टेन प्रोग्राम्स और प्लान, अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फ्यूचर में, कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही विल बी मीटिंग मी नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते मुझे मिलेगा। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ अपने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसमें सब्जेक्ट होता है, विल शैल का यूज़ करते हैं,
प्लस हैव का यूज़ करेंगे, और आपको पता है हैव के बाद हमेशा हम वी थ्री यानी के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी के पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, ये अफर्मेटिव में है, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, विल है, विल के साथ हम हमेशा हैव लगाएंगे, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और रिटन राइट रॉट रिटन ये थर्ड फॉर्म हो गई, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, उसने खत नहीं, वह खत नहीं लिख चुका होगा, ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। विल ही हैव रिटन ए लेटर, ये इंटरोगेटिव में हो गया, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस डन एट द डेफिनेट टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कब इसको यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में किसी खास समय पर जब कोई काम किया जाएगा फ्यूचर में, जैसे ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर संडे, यानी कि वह संडे से पहले अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। आई शेल हैव वॉच्ड द फिल्म बाय नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगले मंडे तक मैं ये फिल्म देख चुका होऊंगा। और फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बाय मंडे, बाय जनवरी, बिफोर संडे, बिफोर मार्च, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर मैं ये गलत हो गया, यहाँ पे ये फ्यूचर है ये, क्योंकि हम फ्यूचर को कर रहे हैं ना, इट इज़ यूज टू डिनोट लाइकलीहुड लिंक्ड विद द पास्ट, लाइकलीहुड होता है मतलब संभावना, यानी कि पास्ट में कुछ होने की संभावना, ठीक है, ये उसको दिखाता है जिसका संबंध किससे हो, पास्ट से हो, जैसे यू विल हैव रेड द गीता, आप गीता पढ़ चुके होंगे, यानी कि पास्ट की कोई क्या है, इवेंट है। ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म टर्मिनेटर, वह फिल्म जिसका नाम टर्मिनेटर है वो देख चुका होगा, क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं किसके बजाय, विल शैल के बजाय, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ डोनाल्ड, तुमने डोनाल्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। इट इज़ यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी यूज़ करते हैं, कैसे, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। अब देखो जो इट रेन्स है ये प्रेजेंट टेंस है, प्लांट्स विल हैव ड्राइड, ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब जो पौधे हैं वो सूख चुके होंगे, बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले। अब लास्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल विल का यूज़ करते हैं हम, हैव बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, टाइम के लिए फोर लगेगा, और टाइम का यूज़ किया जाएगा, जैसे ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, ये ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव। विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको समझो ध्यान से, यानी कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि फ्यूचर में कुछ काम कंटिन्यू फॉर्म में रहेंगे एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से वो पत्र लिख रहा होगा। अब देखो एक खास बात, अब आप देखोगे सर यहाँ पे तो सिंस आना चाहिए, यहाँ पे फोर फ्रॉम लगा दिया, लेकिन होता क्या है, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो और फ्यूचर टेंस हो, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर टेंस हो और पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उसके लिए हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं सिंस की बजाय। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे टेंसेस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बांटे ताकि आप वन बाय वन आसानी से इसको सीख लो, बल्कि एक एक वीडियो को 3-4 बार अगर देखोगे आप तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। द नेम ऑफ माई चैनल इज इंग्लिश इलिशियम, यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन माई चैनल, सब कुछ मिल जाएगा, पिछले जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं, जितने भी 9th क्लास का है, 10th क्लास का, आपको सब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।